स्टूडेंट्स हम फाइंड कर रहे थे साइन पावर 4x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हमने लिखा था इक्वल टू साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है, तोड़ के लिखा था, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में। उसके बाद हमने उसको यानी कि साइन स्क्वायर x की जगह फिर हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की थी, वन माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, साइन स्क्वायर x इक्वल किसके होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी यूज़ की थी हमने, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू वन से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये दो फंक्शन अलहदा से बन गए जो कि जिनके दरमियान माइनस का साइन था, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन था, और उसका इंटीग्रल हम फाइंड कर रहे थे जिसको हमने अलहदा अलहदा सेपरेट करके लिख लिया, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जब दो फंक्शन आपस में ऐड या सेपरेट हो रहे हो और उसका आपने इंटीग्रल फाइंड करना हो तो आप उसका अलहदा अलहदा इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अलहदा अलहदा उसकी इंटीग्रेशन लिख ली। उसके बाद हमने क्या किया कि दो फंक्शंस बन गए थे, एक साइन स्क्वायर एक्स और दूसरा था साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रल, ठीक है, तो दोनों को हमने अलहदा अलहदा इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड की साइन स्क्वायर एक्स की, जो कि इक्वल आई है वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई फोर साइन टू एक्स, ये कैसे ये है पिछले लेक्चर में आप देख लें। उसके बाद हमने जो है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड की, जो कि इक्वल आई है वन ओवर थ्री कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस वन बाई थ्री इंटीग्रल ऑफ साइन पावर फोर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे, आगे हम मज़ीद इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी साइन पावर फोर एक्स की, जो कि इसके इक्वल है साइन पावर फोर एक्स, यानी कि इक्वेशन नंबर जिसको हमने वन का नाम दिया था, इसमें हमने पुट करनी है अब इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की के इंटीग्रल की और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के इंटीग्रल की, ठीक है। तो चलें हम पुट करते हैं, साइन पावर फोर एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या था, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमने फाइंड किया था, जो कि इसके इक्वल आया था, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं अब यहाँ पर, वन बाई टू एक्स माइनस प्लेस में आप पुट कर देते हैं, वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई फोर साइन टू एक्स, वन बाई फोर साइन फोर एक्स, उसके बाद क्या है माइनस साइन है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इसका जब हमने इंटीग्रल फाइंड किया तो वो इक्वल इसके आया है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर पुट करते हैं, वन बाय थ्री कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स है, वन बाय थ्री कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, उसके साथ में प्लस वन बाय थ्री इंटीग्रल ऑफ क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन पावर फोर एक्स डी एक्स, और लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे है साइन पावर फोर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल। अच्छा, ये यानी कि हमने अलग अलग उसका इंटीग्रल फाइंड कर लिया और हमने यहाँ पर पुट कर दिया, जिसको हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दिया था उसमें हमने उसकी वैल्यूज यानी कि पुट कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसको मज़ीद सॉल्व करना है। इंटीग्रेट तो अब हम कर चुके हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करते हैं, देखें साइन पावर फोर एक्स की ये टर्म है और ये भी साइन पावर फोर एक्स की टर्म है, तो इसको हम ऐसा करते हैं लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, ठीक है। इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड पर ले आता हूँ, तो ये तो ऑलरेडी मौजूद है साइन पावर फोर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, और ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वन बाई थ्री इंटीग्रल ऑफ साइन पावर फोर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई फोर साइन पावर साइन फोर एक्स, ठीक है, वन बाई फोर साइन फोर एक्स ही था ना, वन बाई फोर साइन टू एक्स है, वन बाई फोर साइन टू एक्स, यहाँ पर टू आता है, ये थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं, वन बाई फोर साइन टू एक्स। अच्छा, ये हो गया साइन टू एक्स, उसके बाद क्या है माइनस वन बाई थ्री
कॉस ऑफ एक्स साइन क्यूब एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में एक टर्म हमारे पास क्या है, एक टर्म हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ साइन पावर फोर एक्स डी एक्स। ठीक है, दूसरी टर्म क्या है, 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन पावर फोर एक्स डी एक्स। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कॉमन हमारे पास आ रहा है इंटीग्रल ऑफ साइन पावर फोर एक्स। यानी हम कॉमन ले लेते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन पावर फोर एक्स डी एक्स, ये दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बाकी क्या बचा, पहली टर्म में वन और उसके बाद माइनस है, दूसरी टर्म में 1/3। ठीक है, 1/3 और बाकी राइट साइड उसी तरह से हम लिख लेते हैं 1/2x माइनस 1/4 टू साइन ऑफ 2x माइनस 1/3 कॉस ऑफ x इंटू साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अभी हम राइट साइड उसी तरह से उतार लिए, तो लेफ्ट साइड जो है उसको हम सॉल्व करें, तो 1 माइनस 1/3 किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस 1/3 आएगा 3 माइनस, यानी कि ये आ जाएगा 3, अगर इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इस तरह से हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो हमारे से एक गलती हुई थी। ठीक है, तो वो गलती क्या थी, गलती ये थी कि हमने यहाँ पर ये माइनस साइन है तो यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं डाली थी, और साइन की एक गलती हुई हमारे से। देखें, साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल आया था, 1/3 कॉस ऑफ, इस इन दोनों को अगर कंपेयर करें, 1/3 कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। ठीक है, 1/3 ये हमने लिखा हुआ है, प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ साइन कॉस फोर एक्स। टर्म्स तो हमने ठीक लिखी हैं, लेकिन हमने ये जो है ये ब्रैकेट्स नहीं डाली थी, जिससे हमारे पास साइन का जो है ना वो मसला बन जाता है। तो ये माइनस इसके साथ या प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस साइन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये माइनस है और फिर ये राइट लेफ्ट साइड पे जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब ये प्लस होगा तो यहाँ पर भी फिर प्लस आएगा और यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो मतलब 3 प्लस 1 इज 4, 4/3 बनता है, तो 4/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन पावर फोर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1/4 इंटू साइन ऑफ 2x माइनस 1/3 इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। ठीक है, प्लस सी भी कर लें, चले प्लस सी क्योंकि इंटीग्रल हमने फाइंड किया और इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अच्छा, ये हो गया। अब देखें लेफ्ट साइड पे 4/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन पावर फोर एक्स है, हमने फाइंड क्या करना था, सिर्फ इसका इंटीग्रल। ठीक है, ये चीज़ फाइंड करनी है, तो सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, बाकी टर्म्स को हम राइट साइड पे ले आते हैं। यानी कि 4/3 है, यहाँ पर आकर ये 3/4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि ये 3/4 इंटू 1/2 इंटू एक्स है माइनस 1/4 टू साइन ऑफ 2x है माइनस 1/3 इंटू कॉस ऑफ एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन पावर 4x dx। ये है हमारे पास इंटीग्रल इसका। ठीक है, तो ये आगे आप इसको सॉल्व करना चाहें, मतलब कि 3/4 को अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हर एक टर्म से ये 3/4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए हम मल्टीप्लाई कर भी देते हैं, ये 3/1 इज 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इज 8, एक्स माइनस 3/16 साइन एक्स, बल्कि साइन ऑफ यहाँ पर भी उतारते हुए गलती हो गई, साइन ऑफ 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चलो मैं थोड़ा नेट करके लिख देता हूँ, साइन ऑफ 2x माइनस, अब ये 3/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/4 बच जाएगा, 1/4 कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस सी इंटू 3/4। तो फिर भी वही कांस्टेंट ही आएगा क्योंकि सी भी कांस्टेंट है, 3/4 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्लस सी आ गया, या सी वन आप इसे कह रहे हैं, सी वन
ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि इंटीग्रल आ चुका है किसका, साइन पावर 4x dx का। यहाँ पर हमने यानी कि इस फंक्शन को सॉल्व करते हुए हमने बाय पार्ट्स भी यूज़ किया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज़ की। उसके अलावा जो टेक्निकल पॉइंट क्या था, जो मैंने शुरू में बात की थी, टेक्निकल पॉइंट ये था कि हमारे पास जिसका हम फंक्शन यानी कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, वही फंक्शन दोबारा वापस हमारे पास आ चुका था, ठीक है, जो कि ये हमारे पास था इंटीग्रल ऑफ साइन पावर फोर एक्स, जिसको हमने यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हुए हमारे पास ये फंक्शन यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन फंक्शन था जिसका हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे, वही फंक्शन का इंटीग्रल वापस आ गया था। तो इसको हम उसी तरह से लेकर आए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाके उसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास इस तरह से उसको हमने हैंडल किया उस टेक्निकल पॉइंट को। तो ये था क्वेश्चन यानी कि एक एग्जांपल हमने की थी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ ऐसे आ जाते हैं जो कि जिसको इंटीग्रेट करते हुए दोबारा से रिजल्ट में हमारे पास वो फंक्शन आ रहा होता है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। उसके अलावा बाय पार्ट्स हमने इस लेक्चर में देखा था, ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को आप ख़त्म करते हैं और बाय पार्ट्स का यहाँ पर हमारा टॉपिक यानी कि एक्सप्लोर होता है। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे बाय पार्ट्स से रिलेटेड, जो कि है एक्सरसाइज 3.4, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।